गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे डिस्कस द ग्राफ। वी नो दैट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और ग्राफ्स ए स्टडी ऑफ डेटा बिकम्स मच क्लियर एंड कन्वीनियंट इवन इफ द डेटा इज कॉम्प्लेक्स। जो डेटा होता है क्या कॉम्प्लेक्स हो, उसको रिप्रेजेंट क्या करना है, रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू द पिक्चर। पिक्चर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ इज कॉल्ड एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इज इट क्लियर? क्या हुआ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर द पिक्चुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री टाइप्स: बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। राइट, नंबर फर्स्ट इज अ बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स के 70 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू द स्कूल एज गिवन बिलो। के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, के नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कार, बस, मोपेड, बाइसिकल एंड रिक्शा। के नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4 है कार के। 4 फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे होगा, एक कहाँ पे आएगा, वाई एक्सिस पे हमको ड्रॉ करना है। कि कार, बस, मोपेड, बाइसिकल एंड रिक्शा 4, 27, 12, 19 एंड 8। ड्रो अ बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन द एबो डेटा। इज इट क्लियर? हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं बार ग्राफ के। ड्रो द लाइन एक्स 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 डैश वाई वाई डैश एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हमको बेटा? आपको दिया है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और वाई एक्सिस पे क्या आएगा हमको? नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 27, 12, 19 और 8 है। राइट, 19 और 8, तो 5 5 की गैप ले लेते, 0 0 यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and now 40. Is it clear? Number of student, right? X is a mode of transport. Is it clear? के 0। अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज अ कार। फर्स्ट वन इज अ कार, राइट। सेकंड वन इज बसेस, बस। मोपेड, बाइसिकल, रिक्शा। क्लियर? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको, कि कार है। कार इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने? 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 4। यहां पे देखो 10 लाइन होगी, ठीक है। यहाँ पे 10 है, हमको 4 तक जाना है। यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2 लाइन इक्वल टू 1, 1, A2, A3 और A4। क्लियर? हो गया 4। नेक्स्ट क्या है कि बस इज, बस 27 है, बस 27, 25, 2 लाइन 26, इसके बाद यहाँ पे हो गया 27। अब नेक्स्ट क्या है आपको, मोपेड 12 है, मोपेड 10, 11 और 12, 12
बाइसिकल 19, 19, 19, 15, 19, now रिक्शा इज 8, इज इट क्लियर? लाइन ड्रॉ कर दो। हो गया क्लियर? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बार ग्राफ इज क्लियर। फर्स्ट वन इज क्लियर हो गया। अब नाउ नंबर टू। नंबर टू इज हिस्टोग्राम के रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मीन्स ऑफ हिस्टोग्राम के मार्क्स 10 से 20, 7, 20, 30, 11, 30, 49, 40, 50, 13, 50, 16, 16, 60, 74 एंड 72। तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे देखो क्लास साइज विल बी सेम। हिस्टोग्राम में दो आएगी कि क्लास साइज विल बी सेम और नाउ अनदर ग्राफ इज क्लास साइज विल नॉट बी सेम। तब कैसे करना है उसके लिए एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला अप्लाई करना है, राइट? इससे पहले हमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नाउ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट जीरो, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 10, 20, 30। 10, 30 क्यों? देखो वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है। एक्स देखो 10 से लेना है 80 तक, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। क्लियर? अब नाउ एक्सेस हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? लोएस्ट 2 है और मैक्सिमम 16 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तक। इज इट क्लियर? अब क्या है देखो, सबसे पहले कि 10 से 27 है, 10 से 27 कहाँ तक जाना है? 7 तक। टेन से 27 तक फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्क्रीन तक 20, 30, 11 20 से और 30 से कहाँ तक? 11 तक। 11
क्लियर 20 30। अब नेक्स्ट ना 30 49, 30 49। तक क्लियर। अब नेक्स्ट है 40 50 13। थर्टीन तक, 40 से और 50 13। क्लियर है 40 50। अब 50 60 16। 16 50 से 60 तक 16। क्लियर 60 74। 60 74 60 से और 70 से 4। सिक्सटी सेवेंटी 70 से 82। 82 हो गया क्लियर। हिस्टोग्राम क्लियर कि क्लास साइज विल बी सेम। एक्स एक्सिस में क्या ले, एक्स एक्सिस इज अ मार्क्स और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट। और स्केल मेजरमेंट लिख देना कितना गैप है, 1 की गैप है। तो वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर हो गया। तो क्लास साइज विल बी सेम हिस्टोग्राम, तो ये क्लियर ग्राफ हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट इज अ क्लास साइज विल नॉट बी सेम, तो हाउ टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे क्लास साइज सेम है, 1 to 2 है, 2 से 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 से 15, 15 to 17। क्लास साइज विल नॉट बी सेम, तो फाइंड द यू फर्स्ट फाइंड द एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी। देखो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एज इन ईयर एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ चिल्ड्रन। फर्स्ट इज 1 to 2। क्लियर, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इसके अंदर दूसरा कॉलम को ड्रॉ कर दो कि विड्थ ऑफ
width of class याद रखना बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और width of class, क्यों हमको पता चलेगा बेटा, मिनिमम क्लास साइज 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15 15 to 17, right? Number of children 5, 4, 10, 12, 9, 10 or 8. Width of class, 2 minus 1, 1, 3 minus 2, 1, 5 minus 3, 2, 7 minus 2, 2, 10 minus 7, 3, 15 minus 10, 5, 17 minus 15, 2. क्लियर हो गया? क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला याद रखना, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास। मिनिमम क्लास साइज देखो 1, 1, 2, 3, 5 है, तो सबसे मिनिमम क्लास साइज क्या है? 1। मिनिमम क्लास साइज 1, तो ये फॉर्मूला मिनिमम क्लास साइज 1, राइट, अपॉन डिवाइड्स में क्या है, क्लास साइज। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है कि क्लास साइज ऑफ द क्लास, क्लास साइज वही क्लास की क्लास साइज क्या है, 1 ही है, इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी कितनी उसकी 5, इक्वल टू क्या है 1, 1, 5, 1, 5। इज इट क्लियर? हो गया है क्लियर? नेक्स्ट देखो, मिनिमम क्लास साइज तो फिक्स ही रहेगी, इनटू कि क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, क्लास साइज ऑफ दिस क्लास क्या है 1, और फ्रीक्वेंसी 4, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 4। क्लियर? अगेन मिनिमम क्लास साइज तो फिक्स ही है 1, इनटू यहां पे देखिए आएगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास 10, और क्लास साइज ऑफ दिस क्लास, क्लास साइज क्या है 2, 2 5 10 लेके आएगा 5। क्लियर? फिर से मिनिमम क्लास साइज फिक्स, इस बार फाइंड कर दिया मिनिमम क्लास साइज 1, इनटू फ्रीक्वेंसी 12, क्लास साइज 2, 2 6 12 6 आंसर, मिनिमम क्लास साइज 1, फ्रीक्वेंसी 9, क्लास साइज 3, 3 3 9 3, मिनिमम क्लास साइज 1, फ्रीक्वेंसी 10, फ्रीक्वेंसी 10, दिस क्लास 5, 5 2 10 2, मिनिमम 1, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 8, डिवाइड्स क्लास साइज ऑफ दिस क्लास 2, 2 4 इक्वल टू 4। हो गया क्लियर? फिर से बता बेटा, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज ऑफ द क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। क्लियर? अब ग्राफ ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे और ए वाई एक्सिस पे। क्लियर हो गया? एक्स एक्सिस पे लेना है और ये कहाँ पे लेना है हमको, वाई एक्सिस पे। हो गया क्लियर? वन टू थ्री अप टू कार 17 तक जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 11, 12 17। हो गया क्लियर? इज इन ईयर एक्स एक्सिस पे। अब नाउ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है देखो, यहां से लोएस्ट कौन सा है, 2 है, और हाईएस्ट क्या है, 6 था। देखो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8।
क्लियर। देखो वन और टू आपको दिया वन टू, तो वन टू में वन टू फाइव, वन टू में फाइव तक, वन और टू क्लियर, वन टू फाइव क्लियर, वन और टू में फाइव। नेक्स्ट क्या है, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर टू एंड थ्री टू थ्री फोर। अब नेक्स्ट थ्री फाइव, थ्री फाइव फाइव थ्री फाइव फाइव थ्री और फाइव क्लियर, थ्री फाइव 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 सेवन, फाइव सेवन सिक्स फाइव सेवन क्लियर होगा, फाइव सेवन सिक्स यहाँ तक, सिक्स तक। नेक्स्ट क्या है, सेवन टेन, सेवन टेन थ्री सेवन टेन थ्री क्लियर, सेवन टेन थ्री। टेन टू फिफ्टीन, टेन टू फिफ्टीन टू टेन टू फिफ्टीन क्लियर, टेन टू फिफ्टीन टू। फिफ्टीन टू सेवनटीन फोर, फिफ्टीन टू सेवनटीन फोर फिफ्टीन टू सेवनटीन फोर हो गया क्लियर। कि क्लास साइज विल नॉट बी सेम, हाउ टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ ग्राफ, ऐसे फॉर्मूला याद रखना, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास ऑफ दिस क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, क्लियर। अब नाउ लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स लास्ट वन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स में क्या है कि क्लास आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय टू, ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लास मार्क्स एक्स आई इक्वल टू, बट इसमें देखो 30 से 34, 35 से 39, 40 से 45 कंटिन्यू क्लास नहीं। सबसे पहले क्या हमको कंटिन्यू क्लास कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे कि लोअर लिमिट माइनस 0.5 और अपर लिमिट प्लस 0.5, ये क्लास इंटरवल लिखती है इसका सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल बाद में क्या आएगा, यहाँ पे क्लास मार्क, क्लास मार्क मीन्स एक्स आई, लास्ट में आएगा फ्रीक्वेंसी, क्लियर। उसमें क्या था, एज इन ईयर था हिस्टोग्राम में क्लास साइज सेम नहीं था, देखो
एक्स एक्सिस नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पे विड्थ ऑफ क्लास या क्लास साइज थी। इसके बाद एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड किया है। क्लास इंटरवल, क्लास मार्क या फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटर देखो यहाँ पे तो कंटिन्यू नहीं तो उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। माइनस 0.5 यानी 29.5 टू 34.5। क्लास मार्क क्या आएगा 27। 29.5 प्लस 34.5 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट इज 29.5 सॉरी 34 है क्या यहाँ पे 35 34.5 टू 39.5 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्लास मार्क की फॉर्मूला। तो 32 राइट 34 से यहाँ पे 29 से 29.5 प्लस 34.5 सॉरी बेटा यहाँ पे देखो 29.5 प्लस 34.5 है तो क्या आएगा 32 आएगा बेटा 32 इन बिटवीन 34.5 टू 39.5 है तो 39.5 टू 44.4 पहले लिख देते 44.5 टू 49.5 टू 54.5 टू 59.5 इज इट क्लियर। जो 29.5 30 था 29.5 34.5 32 37 दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 लो 42 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 देखो 5 की गैप है तो 5 ऐड कर दो 32 है तो 5 37 37 प्लस 5 42 47 प्लस 5 52 प्लस 5 57 फ्रीक्वेंसी 12 16 20 8 10 एंड 4 क्लियर हो गया। अब क्लास मार्क एक्सआई एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करना है और एक कहाँ पे ड्रॉ करना है हमको वाई एक्सिस पे हो गया क्लियर। एक्स एक्स भी देखो 32 37 42 से लेना है वन बाय वन जीरो एक्स एक्सिस वाई वाई डैश जो स्टार्टिंग कहाँ से करना है आपको 32 है यहाँ पे 32 है इससे पहले यहाँ पे कर दे जेड लाइन यहाँ पे 27 42 57 प्लस 5 यहाँ पे 62 क्लियर 1 2 3 4 5 6 7 8 अब क्लियर हो गया। देखो फर्स्ट वन इज 29.5 टू सॉरी यहाँ पे नहीं बेटा एक्स ये तो 32 है 12 32 एक्स एक्सिस 32 और 12 32 और 12 ये रहा 32 12 37 16 37 16 42 20 42 और 20 42 20 47 8 47
47 और 8, क्लियर? 52 10, 52 10, 52 10. Now last one is 57 4. 57 is 4, क्लियर? हो गया, अब सबको ज्वाइन कर दो. हो गया क्लियर. अब देखो अगर 5 की गैप है तो ये जो उसको ज्वाइन कर दो यहाँ से 27 से. यहाँ पे 5 आफ्टर, यहाँ पे बिफोर माइनस किया तो आफ्टर प्लस कर दिया, 57 प्लस 5, 62 को ज्वाइन कर दो. क्लियर हो गया. तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो ए बी सी डी ई एफ जी और एच. क्लियर. लास्ट में लिख देना कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स रिप्रेजेंट बाय ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ, कहाँ तक है? ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी एच. हो गया क्लियर. और मैथ्स के नोटबुक कंपलसरी ड्रॉ करना है. क्लियर हुआ, चैप्टर फिनिश हो गया है.